नगर निकायों और पंचायतों के चुनावों के लिए जहां एक और राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं इन चुनावों को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के आदेशों पर मतदाताओं सूचियों को दुरुस्त करने में जुट चुका है। जिला प्रशासन समय समय पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए युवाओं को जागरूक भी कर रहा है, ताकि वे चुनावों में मतदान कर समझदार प्रत्याशी को चुन सकें जो उनके क्षेत्र का विकास करे। निर्वाचन तहसीलदार राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अगर मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटि है तो वे संबंधित कार्यालयों में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से भी उनके बदलाव करवा सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 दिसंबर 2020 तक जिला के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों का 1 जनवरी 2021 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। पुनरीक्षण के तहत जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र के अलावा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन हो रहा है। निर्वाचन तहसीलदार राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियों कार्यालयों में आम नागरिकों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक 15 दिसंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। जो चुनाव जो नज़दीक हैं वो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं जो पंचायतों से संबंधित हैं और जो नगर निगम से संबंधित चुनाव हैं, जिनके निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, उससे संबंधित जो कार्य हैं वो अलग से होता है। जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जो कार्य हो रहा है वो लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए जो फोटोयुक्त मतदाता सूचियां हैं उनका विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 आजकल किया जा रहा है। ये जो है इसमें अर्थात जो तिथि है यानी क्वालिफाइंग जो डेट है, कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2021 इसमें रहेगी। जो भी पात्र व्यक्ति इस तिथि में 18 वर्ष अपनी पूर्ण कर रहा है वो अपना वोट बनाने के लिए आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि हमारे एसडीएम्स होते हैं उनके पास आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, या फिर प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में 573 मतदान केंद्र है, वहाँ पर हमने अभीत अधिकारियों यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति कर रखी है, तो उनके पास वोट बनाने के लिए फॉर्म नंबर 6 प्रस्तुत कर सकता है। उसके साथ अपना एक रंगीन फोटोग्राफ कलर फोटो भी उसमें सबमिट करेंगे और एज प्रूफ भी उसमें दे सकते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए जो भी पात्र मतदाता हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निवासी होना चाहिए और 1 जनवरी 2021 को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ये उसमें उसकी मतदाता बनने की योग्यता रहती है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया है, तो इसका जो हमारा वेबसाइट है, इंटरनेट वेबसाइट है, वो है www.ceohimachal.nic.in। इसमें हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूचियां शीर्षक पर वो अपना आवेदन कोई भी पात्र मतदाता जो है वो कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक वेबसाइट या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है जिसको हम NVSP कहते हैं, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इस पर ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म, नाम दर्ज करने, अपमार्जन करने तथा संशोधन से संबंधित भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी अगर कोई जनसाधारण लेना चाहता है तो हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है 1950 पर, उसमें निशुल्क कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जो ऑफिशियल समय रहता है हमारा 10 से 5 उसमें वो कोई भी जानकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं।